तो आज की इस वीडियो में हम सर्वाइव करने वाले हैं पूरे के पूरे 99 इयर्स एज अ इविल हीरो ब्रायन, और हम देखने वाले हैं कि उसने अपनी लाइफ के 99 इयर्स कैसे बिताए, कैसे वो बना स्टीव से एक इविल हीरो ब्रायन। तो चलो देखते हैं उसकी जर्नी, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। सो यो, सुबह हो चुकी है और अभी हम जाने वाले हैं माइनिंग पर। स्टीव भाई तू चलेगा? नहीं। रहन दे फिर। तो चलो हम चलते हैं माइनिंग पर, और वो भी अपनी प्यारी पिकैक्स के साथ। चलो जल्दी चलते हैं। तो पहले वेट, मैं अपनी पिकैक्स निकाल देता हूँ। ओके, तो अभी ना मैं उस जगह आ चुका हूँ जहाँ पर कि मैं माइनिंग पर जाता हूँ। देखो ये एक रिवीन है और बाकी जो भी तुम इसे कहते हो। तो इस जगह मैं माइनिंग करने इसीलिए आता हूँ क्योंकि इस जगह ना काफी सारे डायमंड्स मिल जाते हैं और साथ ही साथ काफी सारा आयरन भी। तो चलो इस रिवीन में डुबकी मारते हैं। पर वेट, अभी ये कौन था अंधेरा करके चले गए स्क्रीन पे? इनवाइल। खैर इसको छोड़ो, और अभी ना हम डुबकी मारते हैं रिवीन में। तो चलो हम आ चुके हैं और अब ना हम अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखते हैं। A few moments later. ओके, तो अभी ना मैंने माइनिंग कंप्लीट कर दिया है और अभी हम वापस गांव वासी के पास जाने वाले हैं। और भाई क्या हाल चाल? भाई ये हम के अलावा कुछ बोलते क्यों नहीं है? और अभी मैं अपने घर वापस जाता हूँ और देखते क्या होता है। स्टीव तब एक नॉर्मल बच्चा था और वो हमेशा ऐसे अपने दिन बिताता। और एक दिन, ओह फिर सुबह हो चुकी है, तो चलो हम चलते हैं अपने डैडी के काम पर जो कि है माइनिंग करना। हथियार मैंने पूरे ले लिया है और अब चलो जल्दी चलते हैं। तो चलो हम माइनिंग पर निकलते हैं। और वेट, क्या तुमने साइड में देखा? कुत्ता भाई। यप, ही इज बैक। और इसी बात पर भाई एक लाइक तो बनता है, और ये ना मुझे छोड़कर इसीलिए भाग गया था क्योंकि तुम लोग लाइक नहीं करते, और सब्सक्राइब भी भाई जल्दी करो। फिलहाल अभी मैं उस जगह आ चुका हूँ जहाँ पर कि मैं माइनिंग करता हूँ। और वेट यार, ये बारिश क्यों शुरू होगी? और मुझे यहाँ पर भाई कुछ सही नहीं लग रहा, और इससे पहले कुछ गलत हो भाई मैं यहाँ से निकल देता हूँ। वेट, अरे भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि यहाँ पे कुछ गलत है, और देखो सामने है हीरो ब्रायन। क्या तुम्हें मेरी पावर चाहिए? क्योंकि मैं यहाँ पर अकेले अकेले बोर हो रहा हूँ। क्या बोर हो रहा है और तुम मुझे पावर्स दोगे? हाँ बिल्कुल मुझे चाहिए। तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो और अगले 99 इयर्स तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ओ पी, अभी करता हूँ। ओ हीरो ब्रायन। Many, many minutes later. वैसे मुझे कुछ अजीब लग रहा है नहीं, पर देखते हैं कि क्या हम सच में हीरो ब्रायन बनने भी आए या फिर वो क्या था। और वेट यार, मुझे ना अपने अंदर कुछ पावर्स फील हो रही है, और देखो मेरी एक आंख ना हीरो ब्रायन की तरह बन चुकी है, और शायद से सच में हमारे पास आ चुकी है हीरो ब्रायन की पावर। तो चलो हीरो ब्रायन से पूछते हैं। हीरो ब्रायन, क्या तुम हो? हम है हीरो ब्रायन। लगता है इसने वैनम देख लिया। उसके बाद कई सालों तक हीरो ब्रायन और स्टीव एक साथ रहे। ओके, तो हमारी जिंदगी तो ओपी कट रही है, बाकी तुम बताओ। और अभी अभी हीरो ब्रायन कह रहा था कि हमें ना किसी गॉर्गन को मारना है, बाकी मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है। और वो ये भी कह रहा था कि पहले हमें उसे मारना है और उसके बाद हमें उसका हेड चाहिए होगा। और मुझे तो भाई कोई आइडिया नहीं है कि हीरो ब्रायन क्या करना चाहता है, और वैसे भी मेरे पास तो कोई काम है नहीं। तो हम चलते हैं हीरो ब्रायन के साथ और देखते हैं कि वो कौन गॉर्गन है, और हम ये भी देख लेंगे कि ये भाई किस मॉब के बारे में बात कर रहा है जैसे कि हम नहीं जानते। तो चलो चलते हैं। चल चल हीरो ब्रायन, एनीवेयर डोर तो निकाल भाई। अबे हीरो ब्रायन हूँ, डोरेमोन नहीं। हाँ पता है, तो भाई टेलीपोर्ट तो हो जा। ओके सो गाइस, अभी ना हम वहां आ चुके हैं जहां पर कि हीरो ब्रायन की दुश्मन है शायद से, और गॉर्गन भाई नाम तो सुना सुना लग रहा है। वेट भाई, कहीं उसके बारे में तो बात नहीं कर रहा जो कि खतरनाक मॉब है, और उसके सिर पर बाल नहीं बल्कि सांप होते हैं, और अगर हम गलती से भी उसकी आंखों में देख ले तो भाई हम ना पत्थर के बन जाते हैं। हीरो ब्रायन भाई, क्या तू उसी के बारे में बात कर रहा है? हाँ भाई तू सही तो है ना, हम उसे कैसे निपटेंगे, और हमें उसे पंगे क्यों लेने हैं भाई, और उसने तो हमें कुछ किया भी नहीं है। उससे मैं निपट लूंगा। ठीक है तो भाई जैसी तेरी मर्जी, और मैं सब कुछ तुझ पे छोड़ रहा हूँ भाई, मैं तो आराम से लेटा रहूंगा। किधर हमारे सामने ना गॉर्गन है, और देखो यार ये कितनी ज़्यादा पावरफुल लग रही है, और इसने अपने आसपास वाले मॉब्स को भी ना पत्थर में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, और अभी देखते हैं कि क्या होता है। और उसके बाद हीरो ब्रायन और गॉर्गन की बैटल हुई। मीनवाइल किधर अभी ना हीरो ब्रायन ने गॉर्गन को मार दिया है, और वो भी पानी के अंदर। बाकी मुझे लगा नहीं था कि हीरो ब्रायन ना गॉर्गन से निपट जाएगा,
पर जैसा कि मैंने सोचा था कि हीरो बैंड काफी ज्यादा पावरफुल है। और अभी जैसे कि हीरो बैंड ने कहा था कि हमें गॉर्गन का हेड लेना है, ओके सर अभी ना मैंने गॉर्गन का हेड भी ले लिया है और देखते हैं कि क्या होता है इससे। और अगर ना मैं सच बताऊं तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि हीरो बैंड को ये क्यों चाहिए था। तो चलो अभी ना हम वापस विलेज में चलते हैं क्योंकि गॉर्गन को तो हमने मार दिया है। ओ वेट भाई, सामने देखो, सामने ड्रैगन्स है और इस विलेज में कैसे स्पॉन हो गए? मुझे जल्दी कुछ करना होगा। हीरो बैंड भाई कुछ तो कर, गॉर्गन का हेड यूज करो। क्या गॉर्गन का कैसे करूं? ओ अच्छा, ऐसे करना था। और भाई एक बार देखो जरा, ये ना पत्थर में चेंज हो चुका है भाई। इसका हेड तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और मैं ना इसे जल्दी से फेंक लेता हूँ ताकि इससे कोई और लेजर इन्फेक्टेड ना हो जाए। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। और अगर भाई ऐसा मैंने नहीं किया तो क्या पता यार ये विलेजर भी ना इन्फेक्टेड हो जाए। इसका सर सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है और डरने की कोई बात नहीं है। ओह थोड़ी देर के लिए होता है भाई, फिर तो कुछ बात ही नहीं है। एक काम करता हूँ, देखता हूँ यार कि क्या ये गॉर्गन का हेड सभी के सभी विलेजर को पत्थर में ट्रांसफॉर्म कर सकता भी है या फिर नहीं। तो चलो पहले मैं इस विलेजर पर ट्राई करता हूँ। ओह ये तो हो गया। और देखो जरा सामने आयरन गोलम है, तो इस पर भी ट्राई करते हैं। वो ये भी हो गया। चलो हीरो ब्रैंड एक काम करते हैं कि इस विलेज के विलेजर्स को पत्थर में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और कुछ देर बाद तो ये तो नॉर्मल हो ही जाएंगे। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद हीरो बैंड ने बहुत से विलेजर को ट्रांसफॉर्म कर दिया। हो किधर अभी ना मैंने काफी सारे विलेजर को पत्थर में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और देखो जरा सामने एक लास्ट विलेजर बचा है, तो मैं इसे भी पत्थर में ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। अरे स्टीव रुको, हीरो बैंड तुम्हारा यूज कर रहा है और अगर तुमने और विलेजर को पत्थर में ट्रांसफॉर्म किया तो हीरो बैंड फिर से रिवाइव हो जाएगा और वो अपने ही जैसे काफी सारे हीरो ब्रैंड को फिर से स्पॉन कर देगा। अरे स्टीव इन फालतू बातों पर विश्वास मत करो और इससे भी पत्थर में ट्रांसफॉर्म कर दो। अरे भाई नहीं, इससे ट्रांसफॉर्म नहीं करना भाई, ये हीरो ब्रैंड तो क्या कर रहा है। ये भी ट्रांसफॉर्म हो गया। और हीरो ब्रैंड देखो अभी ना सभी के सभी विलेजर पत्थर में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, तो मैं इन्हें वापस नॉर्मल कर दो। अब मेरा काम पूरा हो चुका है, मैंने तो तुम्हें सिर्फ यूज किया था ताकि मैं अपने ही जैसे काफी सारे हीरो ब्रैंड को इस वर्ल्ड में स्पॉन कर सकूं और पूरे के पूरे माइनक्राफ्ट डायमेंशन को अपना बना सकूं। और अब तुम देखो कि आगे क्या होता है। अभी ये क्या कर रहा है, इसने तो सच में इतने सारे हीरो बैंड को स्पॉन कर दिया है। अब मैं कहाँ जाऊँ भाई, ये हीरो बैंड ना मुझे मार देंगे। एक काम करता हूँ, भाग जाता हूँ और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। उसके बाद वो वर्ल्ड हीरो बैंड का हो चुका था। अरे यार कुछ सालों पहले जो हुआ उसे भुला पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरी वजह से उन विलेजर को अपना विलेज गवाना पड़ा और हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ही ये पूरा का पूरा माइनक्राफ्ट डायमेंशन भी हीरो ब्रैंड का हो जाए। तो चलो यार मैं तो माइनिंग पर जाता हूँ क्योंकि हम इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इस चेस्ट में क्या देखते हैं? वेट, ये वो गॉर्गन का हेड है, मतलब कि अभी भी हमारे पास मौका है हीरो ब्रैंड को फिर से मारने का। तो चलो ये मेरा ना लास्ट चांस होने वाला है हीरो ब्रैंड को मारने का और इसी की हेल्प से मैं हीरो बैंड को ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ पत्थर में। तो चलो चलते हैं। ओ किधर अभी ना मैं वहाँ आ चुका हूँ जहाँ पर कि वो सभी के सभी हीरो ब्रैंड्स है। और सामने देखो यार कि ये लोग कितने सारे हैं। अबे भाई ये तो हुआ ही नहीं ट्रांसफॉर्म, और ये भी नोरा, और आई थिंक हीरो बैंड इसे मरने वाला तो है नहीं। और अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो भाई ये मुझे भी मार देंगे। एक काम करता हूँ, जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था मैं वहीं पर जाता हूँ, मतलब कि उस रिवीन में, और वहाँ पर मैंने कुछ तो देखा था। और सामने देखो यार ये ना कुछ अजीब है, और आई थिंक और इसी के कारण से मुझे वो हीरो ब्रैंड वहाँ पर पहली बार दिखा था। तो एक काम करता हूँ मैं ना इसे डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, और क्या पता अगर मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूँ तो वो सभी के सभी हीरो ब्रैंड्स भी मर जाए। ओके सर अभी ना ये टूट चुका है और अभी देखते हैं कि क्या सच में उन हीरो ब्रैंड को कुछ हुआ भी है या फिर नहीं। ओके सर हमारा टास्क ना कंप्लीट रहा, और देखो जरा सभी के सभी हीरो ब्रैंड्स पत्थर बन चुके हैं। ओपी, और बस एक हीरो बैंड बचा है, इसे मैं जल्दी से पत्थर में ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। तो गाइस यार अभी ना हमने पूरे के पूरे माइनक्राफ्ट डायमेंशन को बचा दिया है, और पहले तो मैं इस गॉर्गन के हेड को फेंक लेता हूँ। तो यही थे हीरो बैंड की लाइफ के 99 इयर्स। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।